मुझे तो लगा तुम कल वाली बात पे नाराज हो गई होगी। तो मुझे मनाने के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? तुम कह सकती हो मैंने जिस तरह रूडली बिहेव करके तुम्हारी ईगो को हर्ट किया है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। यहाँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ईगो कहाँ से आ गई? अच्छा ना बस कर दो, अपोलोजाइज तो कर रही हूँ, अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ू तो मानोगी? अगर मेरे मानने की इतनी अहमियत है तो फिर मेरी एक बात मान लो ना। फिर वही बात, मामा ने बताया ना कि उसने मेरी बहुत इंसल्ट की। हाँ तो उसे पता नहीं था ना कि तुम कौन हो। वही तो कह रही हूँ, वो बहुत रूड और सेल्फिश है। तो वो तो सब होता है। नहीं वो अलग है, वो लोगों को पैसे में तोलता है। तो ये तो और अच्छी बात है ना, वो जैसा है वैसा दिखता है, उन लोगों की तरह डिप्लोमेटिक तो नहीं है। किन की तरह? होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी जिंदगी में रंगीनियां भरने के लिए सारी उम्र गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत का दावा करके मुंह पर कीचड़ मल देते हैं, चांद का कहकर हाथ में अंगारा थमा देते हैं। मां पारा हुँ? क्या हुआ? इधर देखो। देखो सारा, तुम सोच लो कहीं गुस्से में आके तुम एक बेहतरीन प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दो। मुंह पर बोल देने वाले लोग अक्सर दिल के साफ होते हैं। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि ये प्रपोजल मेरे लिए बेस्ट है? क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स की पसंद है और माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतरीन से कम पर राजी नहीं होते, और जो अपने बड़ों की बात नहीं मानता ना वो हमेशा धोखा खाता है। तुम बहुत अच्छे हो सारा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जिंदगी में कोई भी दुख मिले।